हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आइए जाने प्राइवेट कर्मचारियों के लिए सरकारी कर्मचारी की तरह सैलरी का आधा भाग पेंशन में मिलेगा। पेंशन बुढ़ापे के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ होती है। बुढ़ापा 10 साल का बहुत दूभर गुजरता है, उस बुढ़ापे में कोई साथ नहीं देता। सबसे साथ देता है केवल हमारा शरीर। हमारा शरीर स्वस्थ है तो बुढ़ापा भी आपका सरलता से गुजर सकता है। लेकिन उस बुढ़ापे में हमको कुछ पैसों की ज़रूरत होती है और वह ज़रूरत पेंशन पूरी कर सकती है। सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन की बात करें तो उनको पेंशन बहुत ज़्यादा मिलती है, चाहे वो क्लास वन ऑफिसर हो, क्लास टू हो, क्लास थ्री हो या क्लास फोर्थ हो। लेकिन प्राइवेट सेक्टरों में काम करने वाले कर्मचारियों को अभी तक पेंशन बहुत ही कम मिलती थी, मतलब नहीं के बराबर। लेकिन यूनियन संघ, मजदूर यूनियन संघ ने हमेशा इस बात को सरकार तक पहुंचाया, कोर्ट में अपील की और समय समय पर इसके लिए इस प्रकार से आंदोलन होते रहे। तब जा कर के सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को पब्लिक में भेज दिया है और आश्वस्त कर दिया है कि आपकी अंतिम सैलरी का आधा भाग आपको पेंशन के रूप में मिलेगा। पेंशन लगभग 58 वर्ष के बाद मिलेगी। तो जान लेते हैं बुढ़ापे की लाठी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले से आपको बड़ा फ़ायदा होने वाला है। सुप्रीम कोर्ट ने प्राइवेट सेक्टर के सभी कर्मचारियों में पेंशन में भारी बढ़त का रास्ता साफ कर दिया है। कोर्ट के फैसले से प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के पेंशन में कई गुना बढ़ोतरी हो जाएगी। लेकिन आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि यह पेंशन कैसे मिलेगी और इसके लिए इतना सारा पैसा कहां से आएगा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने पेंशन मामले में EPFO मतलब एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड की याचिका को खारिज करते हुए केरल हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। केरल हाई कोर्ट ने कर्मचारियों को उनकी पूरी सैलरी के हिसाब से पेंशन देने का आदेश दिया है। ऐसे में अब निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को भी ज़्यादा पेंशन मिलेगी। केरल हाई कोर्ट का यह मानना था कि कर्मचारियों को उनकी सैलरी का आधा हिस्सा पेंशन के रूप में दिया जाए। इसी फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने सुना दिया और उस पर मोहर लगा दी। 50,000 की सैलरी पर कैसे आपको मिलेगी 25,000 पेंशन? यदि आपकी सैलरी अर्थात अंतिम सैलरी 50,000 है तो आपको 25,000 रुपये पेंशन कैसे मिलेगी, जानते हैं। EPFO के नियम के मुताबिक पहले निजी कर्मचारी के बेसिक आय का 12% हिस्सा PF में जाता है। ये आपको भी मालूम होगा। यदि आपकी बेसिक सैलरी 15,000 है तो उसका 12% PF में चला जाता है और 12% ही कंपनी मिलाती। इस प्रकार से 24% पैसा PF में जाता है, ठीक है। और उसी का 8.33 पैसा जो है वो पेंशन में जाता है, ठीक है। अर्थात बेसिक सैलरी 15,000 रुपये प्रति महीने से ज़्यादा होने पर भी EPS हिस्सा, जिसको एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 8.33% है, वह पेंशन में जाता है। अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पूरी सैलरी के हिसाब से पेंशन देगी। पहले जो पैसा बेसिक सैलरी के ऊपर जा रहा था 8.33%, लेकिन अब वह पैसा आपकी ग्रास सैलरी पर जाएगा। तो ग्रास सैलरी पर जब पेंशन में पैसा जाएगा तो स्वाभाविक बात है पेंशन आपको ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि पेंशन में पैसा ज़्यादा जाएगा और वह धीरे धीरे बड़ा रूप लेगा। उसके बाद उसका जो ब्याज है हमको बुढ़ापे में बढ़े हुए रूप में मिलेगा। हम जानते हैं 33 साल की नौकरी करने पर
या 33 साल की नौकरी होने पर आपको कितनी पेंशन मिलेगी। एक फार्मूला है दिया है, समझ लें आप। नौकरी के साल यानी 33 साल, ठीक है, प्लस 2, यहाँ पे 33 साल प्लस 2, ये जो 2 है इसमें आपके जो बोनस हैं और जो भत्ता मिलता है कंपनी के तरफ से, वो सब मिला करके 2 कर दिया गया है, ठीक है। तो 33 साल प्लस 2 डिवाइड बाय 70, 70 का मतलब होगा कि सरकार ने 70 वर्ष तक की एज एक मानी है कि व्यक्ति या कोई भी कर्मचारी 70 वर्ष तक जीवित रहता है, और उसी हिसाब से उन्होंने एक एज सर्टिफाइव की है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 33 आपके नौकरी के साल प्लस 2, मतलब इसमें बोनस, रिटेंशन राशि और आपका जो भी कंपनी बीच बीच में आपको देती है वो सब 2 में शामिल हो जाएगा, ठीक है। तो 33 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 70 और इनटू जो आपकी अंतिम सैलरी होगी, तो इसका आप कैलकुलेशन करोगे तो 25,000 रुपये बनता है, ठीक है। लेकिन कर्मचारी के 33 साल तक की नौकरी का उदाहरण दिया गया है, यानी कोर्ट के आदेश के बाद कर्मचारी को हर महीने 25,000 रुपये पेंशन मिलेगी, जबकि आदेश से पहले, मतलब जब ये आदेश जारी नहीं हुए थे तो उसके पहले यदि आपकी 50,000 रुपये सैलरी थी तो उस समय आपकी जो पेंशन बन रही थी 5,180 रुपये। बहुत अच्छी बात है, कहाँ 5,180 रुपये और कहाँ 25,000 रुपया। फिर हम 30 साल की नौकरी की बात करेंगे, तो 30 साल में वही हो जाएगा, नौकरी के साल 30 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 70 इंटू आपकी अंतिम सैलरी, अंतिम सैलरी हम माने तो 50,000, ठीक है। तो 30 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 70 इंटू 50,000, आप इसको हल करोगे तो 22,857 रुपये आपकी सैलरी बनेगी। कोर्ट के आदेश के बाद आपकी जो पेंशन होगी 22,857 रुपये, और पहले जो इतनी सैलरी पर आपकी जो पेंशन बन रही थी 4,525 रुपया, ठीक है। अब हम देखेंगे 25 साल की नौकरी पर, 25 साल की नौकरी पर वही है, 25 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 70 इंटू जो सैलरी है आपकी अंतिम सैलरी यानी ग्रास सैलरी 50,000, आप हल करोगे तो आपकी जो पेंशन बनेगी 19,225 रुपया। और आदेश के पहले 25 साल की नौकरी पर यदि आपकी सैलरी 50,000 थी तब आपको 3,425 रुपये पेंशन मिलती, मतलब कितना फ़ायदा है, कितने गुना फ़ायदा हो गया। 20 साल की नौकरी पर भी सेम रहेगा, 20 साल की नौकरी पर आप निकालोगे तो 20 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 70 इंटू 50,000, ठीक है, तो आपकी जो पेंशन बनेगी 14,285 रुपये। और आदेश के पहले जो पेंशन बनती 20 साल की नौकरी पर, यदि आपकी सैलरी 50,000 होती तो 2,100 रुपये पेंशन बनती। आप कम सैलरी पर भी निकाल सकते हो, ठीक है, यदि आपकी सैलरी 20 साल में 30,000 है तो 20 प्लस 2 डिवाइड बाई 70 इंटू 30,000 जो भी आएगा वो आपका पेंशन होगा। और यह पेंशन कब से चालू होता है, क्या होता है, वो देख लेते हैं। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि 50,000 रुपये सैलरी वाले कर्मचारी को अगर पेंशन में हर महीने 25,000 रुपये मिलेंगे तो ये पैसे कहाँ से आएंगे। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक अब पूरी सैलरी में 12% रकम PF के लिए कटौती होगी, ठीक है, मतलब पूरी सैलरी से कटे, जैसे 50,000 आपकी सैलरी है तो उससे 12% कटेगा, अब बेसिक से नहीं कटेगा, ठीक है, जिससे पेंशन के लिए निवेश की राशि अपने आप बढ़ जाएगी, स्वाभाविक बात है। नए नियम के मुताबिक पेंशन का लाभ लेने के लिए कर्मचारी को कम से कम 10 साल तक निजी सेक्टर में काम करना होता है। आपको पता होगा किसी भी कंपनी हो या प्राइवेट सेक्टर हो, वहाँ पर आपको कम से कम 10 साल तक या 9.5 साल तक काम करना होता है कंटिन्यू, तब जा कर के आपका पैसा पेंशन में जाता है। जनरली 9.5 वर्ष तक का रहता है, 9.5 वर्ष तक आपने यदि किसी कंपनी या किसी फर्म या किसी प्राइवेट सेक्टर में काम किया है तो आपकी जो सैलरी का 8.33% रुपया पेंशन में चला जाता है, ठीक है। और उदाहरण के लिए किसी कर्मचारी की सैलरी 50,000 रुपये महीने है तो नए नियम के मुताबिक उसकी सैलरी से 12% यानी 6,000 रुपये हर महीने EPFO के लिए कटौती की जाएगी, और इतनी ही राशि एम्प्लॉयर मतलब जो कंपनी है उसकी ओर से भी EPFO में जाएगा, मतलब
इम्प्लाई यानी काम करने वाला और इम्प्लायर यानी जो कंपनी है, ठीक है। तो इम्प्लायर का भी पैसा कटेगा और उतना ही परसेंट कंपनी भी उसमें मिलाएगी। इस प्रकार से 24% राशि पूरी सैलरी की, मतलब ग्रास सैलरी का, ईपीएफओ में जाएगा और उसका 8.33% आपका पेंशन में जाएगा। तो बढ़ी हुई राशि का बढ़ा हुआ परसेंट, स्वाभाविक बात है, आपको पेंशन के रूप में ज़्यादा मिलेगा। तो इस प्रकार से खुशखबरी है, आप भी यदि इस सेक्टर में काम कर रहे होंगे तो आपको भी बहुत अच्छा लाभ होने वाला है। अब कोई टेंशन की बात नहीं है। पहले ऐसा होता था कि प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले जितने भी कर्मचारी हैं या हमारे सहपाठी हैं, सब सोचते थे कि पेंशन इसमें कुछ नहीं मिलती, लेकिन अब ऐसा नहीं है। जल्दी ही इस पर आदेश भी जारी हो जाएंगे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर मोहर लगा दी है। तो इस प्रकार से जानकारी थी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार की खबरों के लिए यूट्यूब चैनल मोर क्रिएटिव को रेड बटन दबाकर सब्सक्राइब कर ले तथा नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन पर क्लिक कर दे ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको शीघ्रता से मिले। मिलते हैं सर अगले इसी प्रकार आपके काम की खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।